हाँ जी, सब तो पहला तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें तुहानू पता ही है, आपां डाटाबेस डिवेलपमेंट यूनिट दे विच वख-वख डाटाबेस बारे, ठीक है, कि टाइप्स होंदियां ने डाटा टाइप्स, उसदे बारे कि अपने सॉफ्टवेयर होंदे ने जिन्हां दी आपां मदद नाल डाटाबेस बना सकते हैं, टेबल बनाउणा, फॉर्म बनाना, इन्हों के बारे आप कुछ पहला सीखे जी। तो हूँ आप सीखा जी सैशन नंबर 7 क्वेरी बनाना अते मैनेज करना, ठीक है, क्रिएट एंड मैनेज क्वेरीज, ठीक है। टेबल बनाने अते उन्हां विच डाटा एंटर करन तो बाद हूँ तुसी कुछ जानकारी कढ़ना चाहते हो। मान लो तुसी एक टेबल क्रिएट कर लिया पुत्र, उस दे विच डाटा जी कीमतां रिकॉर्ड भी है तुहाडा एंटर करया होया है शामिल है, तां उस दे विच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तुसीं कढ़ना चाहुंदे हो, लैणा चाहुंदे हो, जिवें आपां एक्सेल दे विच कुछ फिल्टर्स लगा के, ठीक है, उहनां दे विच आपां महत्वपूर्ण जानकारी की है कढ़दे हां कुछ विशेष कंडीशन शर्तां दे आधार ते, ठीक है। इह उहो समां है जदों तुसीं डाटाबेस नूं प्रश्न पुछदे हो जां कोई क्वेरी करदे हो, जिवें आपां तुहानूं कोई लैक्चर डिलीवर करन तों बाद, ठीक है, थोड़ी फीडबैक के लिए थोड़े तो एक क्वेरीज पूछे ने कि एनी क्वेश्चन, ठीक है, एनी क्वेरीज, ठीक है। तो जिमें कि नाम तो ही पता चलता है कि क्वेरी काफ़ी सारे डाटे विच कुछ खास जानकारी इकट्ठी करने लिए होंगी है। एक क्वेरी बख बख टेबलों विचों जानकारी ने जोड़न का ज्वाइन कम मतलब ज्वाइन का कम करती है, अते उस जानकारी नू फिल्टर भी करती है, जी इनफॉर्मेशन होंगी उन्होंने फिल्टर भी करती। तुम दस ही पहले क्वेरी मतलब की आई कोई जानकारी की आई कढ़ना है, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी, जिवें तुम दस एक्सेल विच फिल्टर लगाने हैं। फिल्टरिंग का मतलब है क्वेरी एक मापदंड जिन्हों क्राइटेरिया कहने हैं, ठीक है जी, वरतती है जो तुसी इस मुहैया करवाते हो कुछ डाटे को छुपाने लिए अते सिर्फ उस डाटे को दिखाने लिए जो तुसी वेखना चाहते हो, ठीक है जी। जिवें एक्सेल विच आपां कोई क्लास नंबर ऑफ क्लासेस हुंदियां ने उस दे विच आपां ने कुछ सैक्शन ए सैक्शन बी जां 10वीं A क्लास दा 10वीं B क्लास दा, ठीक है, डाटा आपां फैच करना है कढ़ना चाहुंदे हां, तां आपां उसे ही डाटे नूं की करदे हां, क्लास नूं की करदे हां, सिलेक्ट करदे हां। सिलेक्ट करन तों बाद की करदे हां, आपां ओके ते क्लिक करदे हां, तां तुहाडे कोल उही एक्सेल शीट दे विच रिकॉर्ड्स होणगे जिहड़ी आपां ने फिल्टर लगा के जां कुछ मापदंड लगा के क्राइटेरिया लगा के आपां ने ओके करया जां सिलेक्ट करया है। तो कुछ RDBMS जिहड़े सॉफ्टवेयर ने जां डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जी, क्वेरी नूं बनाउण लई ग्राफिकल दिख मुहैया करवाउंदे ने, एक GUI तुहानूं इंटरफेस प्रदान करदे ने। ज़्यादातर RDBMS इस तरह नहीं करते, कुछ जिहड़े हुंदे ने सॉफ्टवेयर वो इस तरह GUI इंटरफेस नहीं प्रदान करते। फिर आप उत्थे की यूज करते, मतलब SQL जिन्हों बोलते हैं, SQL लिखे इन्होंने SQL, ठीक है जी, SQL, ठीक है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL, SQL से जिमें कहते जिसनों एक SQL कहा जाता है, कोई SQL बोलता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होंगे, ठीक है जी, उसकी वरतों करते हैं। ये उत्थे यूज होंगी है जिथे आप GUI की वरतों नहीं करते, जिथे आप जिमें सू दिखाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आप क्रिएट टेबल से क्लिक करता, इट मीनस कि अपने एक टेबल की इतने GUI है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह तुम दिखा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विचों आप एक्सेल MS एक्सेस में चुने जी पुत्र, इतने देखो GUI सारा अपन देख के अपना दे बस जस्ट क्लिकिंग करी जाने, क्रिएट कर लिया, ठीक है, इतने हो क्रिएट से जाके अपन टेबल्स क्रिएट करना, कोई टेबल्स क्रिएट कर ले, तो आप GUI देखने सारे आप कर रहे जस्ट क्लिकिंग कर रहे GUI अपना इंटरफेस के कोई। बट कई सॉफ्टवेयर की ने अपन क्रिएट जिम्मे उसे कमांड लिखनी पैंती है, टाइप करनी पैंती है अपन, ठीक है, जिन्होंने बोलते हैं अपना SQL, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर भाषावान ने जिन्हों की वरतों डाटाबेस या इनफॉर्मेशन सिस्टम विचों प्रश्न पूछने लिए की जाती, जिड़ी आप स्टेटमेंट पढ़ के आए DDL DCL DML, ठीक है, TCL, तो वक् वक् स्टेटमेंटा के ने उन्होंने कमांड्स ने जिन्होंने आप टाइप करते हैं जिथे की है GUI दिख मुहैया नहीं करवाते, जिहड़े सॉफ्टवेयर RDBMS सॉफ्टवेयर ये दिख मुहैया नहीं करवाते, उत्थे आपां SQL की वरतों कर।
क्वेरीज ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸਿਲੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ DML ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ DML, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, DQL 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਗਰਾ, ਮਥੁਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਓਰਡਰ ਵਾਈ। ਓਰਡਰ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਓਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਓਰਡਰ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ, ਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ BTI। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਫੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖੂ ਕਮਾਂਡ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਲ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਓਲ। ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਵੇਅਰ ਸਿਟੀ ਇਜੀਕਲ ਟੂ ਮਾਨਸਾ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਇਜੀਕਲ ਟੂ ਮਾਨਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਸਿਟੀ ਇਜੀਕਲ ਟੂ ਮਾਨਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ, ਚਾਹੇ 3 ਨੇ, ਚਾਹੇ 1 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਜਿਹਦੀ ID 1 ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ID 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ID 4 ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਜੀ ਵੇਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਲੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ। ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਐਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਬੇਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,
बट आपां गल कर रहे सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी अलग अलग सॉफ्टवेयर दे अलग अलग की ने जीयूआई ने इंटरफेस ने, आपां इत्थे गल करांगे जी एम एस एक्सेस दे विच। ठीक है, क्रिएट क्वेरी इन सिकल्स व्यू। ठीक है, विंडो नज़र आएगी तुहानूं कहिंदे इस तरह की, उस दे विचों जिहड़ी उपर दित्ती विंडो विच क्वेरी की टाइप करो, तुसीं एग्जीक्यूट करोगे जदों तां तुसीं देखोगे जिहड़ियां ऐसे डिटेल्स ने। ठीक है, कि यही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल, एस डिटेल की हो रही टेबल का नाम सिलेक्ट की है वह सारे की जी, वो अगर कंडीशन लगाई नहीं तो सारे जो एस डिटेल रिकॉर्ड है वह की हो जी शो हो जाएंगे तुम दिखने लग जाएंगे। जो बियर लाती मतलब आ देखो कंडीशन लगाती क्लोज लगाती सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल, मतलब वह रिकॉर्ड जो रोज ने सिलेक्ट कर लिए अपने जिन्हों का कलर की है ब्लू है, एक कोलम बने हुआ है जी। ठीक है, कलर ना दा उसका की है जो एंटर किया है डाटा वो ब्लू किया है, वह सारिया की हो अपने को जी जो रो ने रिटर्न हो जाएगी अपने। ठीक है, जिम्मे आ देखो आई डी नेम रोल नंबर डी ओ वी क्लास फोन नंबर ईमेल्स, तो देखो किन्ने ने सत्त मतलब सत्त ने अपने रिकॉर्ड्स, तो कलर की है जिन्हों का ब्लू, एक दो तीन तीन रिकॉर्ड अपने को नहीं एक्सैस होंगे। देखो एक रवि एक विकास एक कौश संध्या, ठीक है एक जी एक रवि का जी एक विकास, तीन यह जी रो से जिन्हों का कलर की सी जी ब्लू से, वह स्टार का मतलब कि सारे ऑल। तो टेबलों में रोल नंबर रिकॉर्ड वाधे क्रम में वेखने लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट आप किस तरह ऑर्डर करांगे, देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग तुम दस्सिया सी, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल मतलब टेबल नेम ऑर्डर वाए रोल नंबर, रोल नंबर आप ऑर्डर करना मतलब रोल नंबर कोलम नू लैके उसका की करना असेंडिंग ऑर्डर करना ए एस सी, इसका मतलब कि यही असेंडिंग। ठीक है, रोल नंबर अपने को ने जी देखो सत्त तेरह चौदह तेई छब्बी बत्ती सारे असेंडिंग ऑर्डर ना वाधे क्रम चल जाए, जो उपर से उस दे विच की सी शफलिंग होनी उस दे विच की सी रेंडमली होने। ठीक है, जिवें तेई तेरह सत्त बत्ती चौदह छब्बी इस तरह से, जो अपने एक स्टेटमेंट चला दी कि इनू असेंडिंग ऑर्डर करना है वाधे क्रम दे विच करना है, तो की हो गई अपने को रोल नंबर सत्त तेरह चौदह तेई पच्ची, जिमें अपने उस दे विच करते सी अपना एक्सेल विच फिल्टर अते शोर्ट करना है, शोर्टिंग का मतलब कि सी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जेस्ट टू समालेस्ट समालेस्ट टू लार्जेस्ट, तो कहते चीज़ देख ली। उस तो बाद इनसर्ट अपडेट कमांड्स की वरतों करके रिकॉर्ड में शामिल भी कर सकते हो, कोई शोध करनी है अपडेट कमांड चलाओगे, जो डिलीट करनी है तो डिलीट कमांड चलाओगे, तो थोनू इन्ह की मदद लेनी पू मतलब इन्ह की वरतों करनी। एसक्यूएल कमांड्स टाइप करने लई ते चलाउण लई टूल्स एसक्यूएल ते क्लिक करो, तो तुहानू एक विंडो नज़र आएगी जिहड़ी कि तुहानू इस तरह पिक्चर विच देख रहे हो। ठीक है, कमांड नू एग्जीक्यूट दी थां एसक्यूएल कमांड नू टाइप करो ते एग्जीक्यूट करो, मतलब इत्थे कि इहनू टाइप करो कि जिहड़ी कमांड आपां लिखणी है इनसर्ट वाली करनी है, उस तों बाद की करना है इस एग्जीक्यूट ते क्लिक करना बटन ते, तां उस तों बाद गई इनसर्ट स्टेटमेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਐਮ ਐਲ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਨਸਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਨਸਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜਾਮਪਲ ਇਨਸਰਟ ਇਨ ਟੂ ਟੇਬਲ, ਇਨਸਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਟੂ ਟੇਬਲ, ਕੋਲਮ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈ ਡੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਕੋਲਮ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਇਨ ਟੂ ਐਸ ਡਿਟੇਲ ਮਤਲਬ ਐਸ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਕੋਲਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਈ ਡੀ ਨੇਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਲਾਸ ਫੋਨ ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਾਲੇ ਫੀਲਡ ਨੇਮ ਪਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈ ਡੀ ਕੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਦੀ, ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ 67 ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦੱਸਤੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਉਹੀ
देख के चेक भी कर सकते हैं। देखो नवा आ गया, रजनीत सिंह 60 रोल नंबर एक्स ये सारा। इस तरह अपन ने अपडेट का मतलब कोई रिकॉर्ड अपने तो गलत हो गया, मतलब किसी की क्लास गलत हो गई या फोन नंबर गलत हो गया, जब अपने कोई अपडेट करना मतलब किसी का चेंज करवाने आप कोई अपना एड्रेस या कुछ भी नाम, तो आप अपडेट स्टेटमेंट की लवेंगे सहायता लवेंगे, तो उसकी वरतों की करा अपनी रिकॉर्ड की करा शोध करा, मतलब इस अपडेट करा मोडीफाई करा। अपडेट स्टेटमेंट की वरतों डाटाबेस में रिकॉर्ड्स शोध करने लिए करते हैं अपनी, इसकी वरतों जी है। देखो सिंटैक्स की है, अपडेट टेबल नेम सैट कोलम, मतलब उस कोलम की करना आप सैट करना है वो वैल्यू ना, ठीक है कि वैल्यू है वो आप दिखा रहे हैं, वो टाइप करके की करा आप एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करा, ये क्योंकि ये ओपन ऑफिस बेस का सॉफ्टवेयर का जरा इंटरफेस है उस चीज़ आ रही है, ठीक है। तुम देखो कई बार दूसरे सॉफ्टवेयर कहो सर इतने तो है नहीं चीज़, ठीक अलग अलग थोड़ा दस है इंटरफेस अलग अलग ने। तो लिखे जी अपडेट एस डिटेल की अरे टेबल नेम सैट, किनू सैट करना मतलब किनू मोडिफाई करना है, लोकेशन जी लोकेशन की करनी सैट अपने भुवनेश्वर की करनी है रोल नंबर 14 की, ठीक है जी। बिमला रानी है रोल नंबर कितना 14, ओदी की करनी है अपने जी भुवनेश्वर पाने जी लोकेशन है, ठीक है। पहला की आप चेक करते हैं उपर बिमला रानी की जी पहला सी जी उड़ीसा से, नज़र भी आ रही होगी थोड़ा जहा मैं कैप लार्ज करके दिखा देना, ठीक है जी। रोल नंबर 14 है जिदी पहला की सी जी उड़ीसा से, बट अपने की बनाती है उन्होंने जी है ना, उसने अपने चेंज करके किए अपडेट करके करता पुत्र भुवनेश्वर दिखाती, ठीक है। आ देखो भुवनेश्वर आ गए। इस तरह अपना हम डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड न, ठीक है डिलीट करना है एक तो ज़्यादा तो डिलीट कर सकते हैं, तो कि स्टेटमेंट आई डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट की वरतों डाटाबेस में एक ज़्यादा रिकॉर्ड में की करनी डिलीट करने की जाती, जिस जिसकी अपने सिंटैक्स की अपना ही डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम थोड़ा हर एक का देना पड़ेगा मैनशन करना पड़ेगा, ता ही वो स्टेटमेंट की रन हो सकती है, ता ही उन्होंने पता है कि आप डाटाबेस में डिलीट करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम चीज़ कोई करना भी उतो चक के कितने होर रख दे जो चक के गारबेज रिसाइकलिंग बिन च पाया, तो थोड़ा दसना पेगा कि जगह तो की चकना है, ठीक है डिलीट करना है मतलब कोई शोध करनी है कुछ भी करना पड़े, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम बेयर कंडीशन लगावे, तो डिलीट करना है जी फ्रॉम एस डिटेल टेबल नेम बेयर जिदी आई डी की है 8, मतलब जो आप इंस्टॉल किया रिकॉर्ड इंसर्ट किया रणजीत सिंह का इस करता अपनी डिलीट करता क्योंकि यदि आई डी की है जी 8 है, तो जो डिलीट करता 7 फिर रह जाएंगे रिकॉर्ड, देखो 8 में है नहीं, ठीक है। क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं भी क्रिएट टेबल नू करने वास्ते जी, ठीक है टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है अपने, ठीक है पैरामीटर देने हैं ज अपने कोलम दसने किन्ने ने उस चीज़ वास्ते क्रिएट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। किसी भी आर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर में डाटाबेस या टेबल बनाने लई क्रिएट स्टेटमेंट की वरतों की जाती है, तो सिंटैक्स की है क्रिएट टेबल टेबल नेम कोलम डेफिनेशन टेबल पैरामीटर, ठीक है। जिमें टेबल कि क्रिएट किया जी इंपलाई ना का उस पैरामीटर देते आई डी, आई डी पहला की है इंटीजर वो डाटा टाइप दसती इंटीजर है, ठीक है। नेम की है बैर कैर वो वैल्यू दसती अपनी करैक्टर के बट वो लेंथ कि जी 50 है। डिपार्टमेंट दसता उस अपने इंग्लिश बैर कैर पाने लेंथ कि 50 है। एड्रैस का दसता 120 अपने करैक्टर पा सकते हैं लेंथ दसती वो। कंटैक्ट नंबर दसता इंटीजर है मतलब कि नंबर के इंटीजर का मतलब नंबर, फ्लोट का मतलब होंगे जी आप डेसीमल वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते, ठीक है। तो इस तरह अपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया पैरामीटर दसते, ठीक है जी। आज कोलम दसते डेफिनेशन दसती आई डी नेम फील्ड नेम जिन्होंने बोलते हैं आप, ठीक है जिन्होंने एट्रीब्यूट्स कह देने कोलम्स कह दें, ठीक है। तो यह सी अपना अज जो क्वेरी बनाना मैनेज करना, ठीक है। तो डैश डाटाबेस में डाटा भंडार खास जानकारी इकट्ठी करने लिए मदद करती है, जिमें सिलेक्ट करते हैं एक रिट्रीव करने वास्ते सिलेक्ट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं, सिकल की वरतों करते हैं अपना, ठीक है। मोडीफाई करने वास्ते अपडेट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं, रिकॉर्ड में शामिल करने वास्ते इंसर्ट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं,
ठीक है, तो